विवेक हमारा दोस्त आ गया है। विवेक ये और ये विवेक लाया हम लोग के लिए मिठाई। हेलो गाइस, अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग आए सिंथेटिक ग्राउंड पे। गाइस कल रात को हुआ था बारिश, जिसकी वजह से हम लोग को सिंथेटिक ग्राउंड पे आना पड़ा और हम लोग ग्राउंड बहुत गीला हुआ है। इसकी वजह से हम लोग यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग सारा ट्रेनिंग यहीं होगा और थोड़ा वार्म अप करेंगे। हो सकता है कि जाएंगे जिम करने तुम लोग नहीं, और थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे फिर डॉर्मेट्री में। क्योंकि गाइस मौसम अच्छा नहीं है, सारा टाइम हर जगह बारिश ही हुआ, जिसकी वजह से सारे यहाँ गीला गीला है, तो कुछ हार्ड वर्क नहीं हो पाएगा। इसके से अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा वार्म अप करेंगे। हम लोग जा रहे हैं जिम, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। भाई को पैर में इंजरी है तो अपने पैर पर वर्कआउट करेंगे, और मेरे को सिंगल में थोड़ा इंजरी है तो मैं सिंगल में एक्सरसाइज करूँगा। तो गाइस अभी हम लोग उतना रनिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली रनिंग कर रहे हैं फिर बॉडी वार्म अप करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा हम लोग जिम कैसा है। और रोहित भाई हाँ, जिम में जाना है अपना। फिर गाइस हम लोग का डेली मतलब डेली नहीं आते हैं, एक दिन गैप करके आते हैं। गाइस डेली स्ट्रेंथ मतलब लोड डालना पैर पर सही नहीं है, क्योंकि इस पर इंजरी है। तो अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मली वेट डाल रहे हैं कि इंजरी थोड़ा रिकवर हो जाए। तो गाइस चलते हैं जिम। हम लोग रहा जिम, और अंदर से कैसा मैं को दिखा रहा हूँ। ये रहा आप लोग का जिम, और इधर सारे हमारे मशीन पार्ट है जो कि सारे मशीन यूज करते हैं। और हट जा आगे हटो, ये हमारा देसी, यहाँ पे देसी इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर सारे देसी पार्ट यूज करते हैं, जैसे देसी एक्सरसाइज हो गया, और इधर हमारे मशीन से एक्सरसाइज करते हैं। अभी हम लोग जिम वाला वर्कआउट सारे फिनिश कर लिए, अब जा रहे हैं फिर से सिंथेटिक ग्राउंड पे, वहाँ पे स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर। देखते हैं अभी सर हम लोग का आया कि नहीं आया, क्योंकि गाइस हम लोग वार्म अप किए डायरेक्टली जिम आ गए। तो गाइस सर का थोड़ा सा उनका डॉक्यूमेंट्स भी फिलअप करना था, तो वो चले गए डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने, तो थोड़ा लेट आएंगे। और अभी वो लोग शायद वर्कआउट कर आ रहे होंगे, देखते हैं अभी वो आए कि नहीं आए, तब तक हम चलते सिंथेटिक ग्राउंड पे। तो गाइस हम लोग गए थे सिंथेटिक ग्राउंड पे, और वहाँ हम लोग बैचलर को वर्कआउट फिनिश हो गया था। गाइस हम लोग वर्कआउट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग को पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया था। तो जब हम लोग सिंथेटिक ग्राउंड पे गए तो वो लोग वर्कआउट फिनिश करके डोमेट्री में आ गए थे, तो हम लोग भी थोड़ा अपना एक्सरसाइज किए फिर डोमेट्री में आ गए। तो अभी भी ज़्यादा नहाने फिर सुबह जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। और गाइस हम लोग का एक मेम्बर जो गया था शादी में, विवेक, वो आज आ रहा है। विवेक हमारा दोस्त आ गया है। विवेक ये और ये विवेक लाया हम लोग के लिए मिठाई। अबे आराम से बे, अबे ये कहाँ लाया अभी विवेक? अबे भैया जूनियर, थैंक यू विवेक भाई, तिलक मारे घर। अरे भाई बहुत दिन बाद आया है, घर से साथी कट कर गए। अब भाई का बहुत मिस करा था अपने ब्लॉग में, क्योंकि गाइस ये नहीं रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था हमारे ब्लॉग में। तो पार्टनर आज क्या प्लान है? आज क्या प्लान है? पहले पप्पू मार खाएंगे पिलाएंगे। मैं एक्चुअली गाइस क्या बोला कि ये थोड़ा लेट आया, इसको आना था कल लेकिन आया ये आज। तो इसका थोड़ा सा डर है कि सर मुझे सस्पेंड न कर दे, क्योंकि गाइस हमारे बैच में नीरज था उसको सस्पेंड कर दिए सर कि जब अपने पेरेंट्स बुलाओ। तो उसके पेरेंट्स आए थे, सर उनको सारे बात क्लियर हो गया है, लेकिन इसका क्या है कि अभी ये लेट हो गया और ये इसका डर लग रहा है कि ये मैं गया हूँ। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, चूतिया है। बीस तारीख तिलक नाम। अबे रोहित यार
अंकल। तो गाइस विवेक लाया मिठाई और मैं जा रहा हूँ मिठाई खाने। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। I just wanna trust in your word.